तो एक कहावत कही जाती है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना पानी और कौवा मोती खाएगा। तो भैया तो तैयारियां चल रही हैं, साहब गायब हैं तैयारियों में, तो ये बहुत ज्यादा बिजी है, बिजी चल रहा है भैया। तो आज इंट्रो हो रहा है हमारे थ्रू, और ये बिल्ट है भैया, लेटेस्ट बिल्ट है 7900X पे, और बिल्ट है हमारे अर्णव भाई सिंह का, और ये रहने वाले रायबरेली से हैं। तो अर्णव, तो ये बिल्ट आपको कैसा लग रहा है, मतलब? अरे सर, जितना सोच के आए थे। हाँ तो भैया पूरी डिटेल को आगे ले जाते हैं। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? माय सेल्फ अंकित कुमार शर्मा, और ये आपकी भाभी, ठीक है? तो ये बिल्ट है आपका 150,000 रुपए का, जो कि लेटेस्ट जनरेशन पे पिनलेस प्रोसेसर, फर्स्ट टाइम एएमडी ने 7900X लॉन्च किया है, उस पे ये बिल्ट है लेटेस्ट। अब बिल्ट को ले जाते हैं आगे और दिखाते हैं कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए हैं। और भाई एकदम लेटेस्ट जनरेशन का बिल्ट है, जो कि एएमडी ने पिनलेस प्रोसेसर पे फर्स्ट टाइम A15 सॉकेट पे दिया हुआ है। देखते जाइए कौन कौन से कंपोनेंट यूज हुए हैं, और बिल्ट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नया बिल्ट परचेज करना हो, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9532777615, वहां से रिवर्ट ना मिले तो अपनी भाभी को डीएम कर लीजिएगा मिस्टर पीसी वाले पे। तो ले जाते हैं बिल्ट को आगे और दिखाते हैं कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए गए हैं इस बिल्ट में। तो गाइस बात करते हैं कैबिनेट की। MB520 कैबिनेट है, जो कि फ्रंट पे 3 फैन आते हैं ARGB वेंटिलेशन के साथ, पूरा मेश दिया हुआ है। टॉप पे 360mm का AI का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑफ बैक साइड में एक फैन लगाने का ऑप्शन दिया हुआ है, 2 हार्ड डिस्क लगाने का ऑप्शन होता है। और भाई अगर एक बात करेंगे जीपीयू की, तो मैक्स जीपीयू 3080 Ti तक भी इस कैबिनेट में आराम से सॉल्यूशन हो जाता है। दिखाते हैं आपको नेक्स्ट कंपोनेंट। तो पहले कंपोनेंट की बात करेंगे, आपका मदरबोर्ड आता है Aorus Elite AX, जो कि 4 रैम स्लॉट के साथ आता है। इसमें गीगाबिट लैन दिया हुआ है, ऑप्टिकल ऑडियो दिया हुआ है, NVMe Zen 4 सपोर्टेड मदरबोर्ड दिया हुआ है, और A to Z फ्यूचर दिया हुआ है, जो लेटेस्ट आजकल अवेलेबल है। सो गाइस नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं, तो हम इसमें जो सीपीयू यूज कर रहे हैं वो AMD की तरफ से आने वाला 7900X है, जो कि लेटेस्ट जनरेशन के साथ आ रहा है। ये 12 कोर 24 थ्रेड के साथ आता है। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की, प्राइमरी स्टोरेज की, जो की है 1TB Acer की AF100, जो की रीड स्पीड आती है 3300 MB/s और राइट स्पीड आती है 2800 MB/s। वारंटी की बात करें तो भाई 5 ईयर वारंटी पे आती है, और प्राइसिंग बहुत ही सस्ती है, क्योंकि XPG का प्रोडक्ट अपना थोड़ा सा कॉस्टली बैठता है प्राइसिंग वाइज, और एक कोर कंपोनेंट के हिसाब से 1TB इस स्टोरेज के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। सो गाइस जो रैम हम इसमें यूज कर रहे हैं वो किंगस्टन फ्यूरी की तरफ से आने वाली 16GB की स्टिक हम इसमें यूज कर रहे हैं, 5200 MHz DDR5। बात करते हैं अगले कंपोनेंट की। सो गाइस इसमें जो हम ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं वो Zotac की तरफ से आने वाला 3060 यूज कर रहे हैं इसमें। इसमें एक खास बात है, इसको इसकी वारंटी 5 ईयर होती है, पर आपको इसको रजिस्टर करना पड़ता है। बेसिकली जो आसूस और गीगाबाइट सारे ग्राफिक कार्ड हैं वो इस बेसिस पे ये वाला ज्यादा बिकता है, बिकॉज इसकी वारंटी 5 ईयर आती है आपको रजिस्टर करने के बाद, ठीक है? इसमें जो ये ट्विन एज मॉडल है 2 फैन के साथ आता है, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर इसकी काफी सारी वीडियोज पड़ी भी है। प्रोडक्ट की बात करें तो ये XPG 650 वॉट आता है पाइलॉन, और प्राइसिंग की बात करेंगे आप लिंक पे जाके चेक कर लीजिएगा। दिखाते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। सो गाइस हम इसमें जो लिक्विड कूलर यूज कर रहे हैं वो Aorus Aqua 360 ARGB 3mm का लिक्विड कूलर हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो कि 360 का AIO है, जो कि 6 साल की वारंटी पे आता है। और देखा मुझे कह रहे थे ये भी हट गए, तो भैया तेरी 1 साल वारंटी कम हो गई, 5 साल वारंटी पे आती है, जो कि 7900X के लिए सफिशिएंट है। दिखाते हैं कोई कंपोनेंट बचा है भाई? नहीं, अब तो भाई कंपोनेंट डिटेक्ट सारी हो चुकी है, बिल्ट आपको दिखाते हैं लुक कैसा है बिल्ट का। तो अर्णव भाई का बिल्ट अपना रेडी हो गया है, फ्रंट पे 3 ARG फैन, टॉप पे 3 ARG फैन, और बैक साइड पे 1 ARG फैन, और उसका लोगो दिया हुआ है। आपका RTX ग्राफिक कार्ड हो गया Zotac Gaming X, जो कि आपका 5 ईयर वारंटी भी आता है, और फ्यूरी रैम हो गई 16GB और NVMe 1TB जो इंक्लूड कर दी गई है आपकी थर्मल पैड के नीचे, ठीक है? लुक ऐसा आया है पीसी का देखने में। तो भैया ऐसे ही पीसी अगर कंटिन्यू आप देखना चाहते हो तो चैनल पे बने रहने के लिए, बरकरार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दिखाते हैं इसका केबल मैनेजमेंट। भाई अपनी तरफ से प्रॉपर जितनी केबल मैनेज हो सकती थी वो प्रॉपर मैनेज कर दी गई है। तो भैया देख लीजिए बिल्ट अपना रेडी है। अब इसके अगर बेंचमार्क वगैरह देखने हो तो भाई अगर टाइम मिलेगा तो बेंचमार्क आपको
जरूर दिखा देंगे और दिखाएंगे कि GTA 5 इस PC पे कैसा रन होता है। और भाई बिल्ड कैसा लगा तुम्हें दोस्त? अरे जितना सोच के आए तो उससे ज्यादा ही, यहाँ पे भरोसा था ही, भरोसा था। तो भैया आप लोगों का इतना अंधा सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भाई देखो हम अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करते हैं, बाकी भाई देखो कभी किसी से अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाए, कुछ छूट जाए, मतलब अगर कोई अनसर्टिफाइड रहे तो भाई उसके लिए बहुत बहुत हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपसे। भाई देखो हम भी इंसान हैं, अपनी तरफ से हम पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं केवल, और मतलब यही है कि आप लोगों का सपोर्ट है तो मोटिवेट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा, कि और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छा वर्क करके दे सके। तो भाई अर्णव तुमको नया PC बहुत बहुत मुबारक हो, और मैं चाहूंगा कि तुम इस PC से मतलब पढ़ाई पे भी कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है? क्योंकि मम्मी बैठी हुई है यहाँ पर, उनकी मतलब सहमति से ही ये इतना महंगा कॉस्टली बिल्ड अर्णव को दिया जा रहा है, ठीक है? तो मैं ये चाहूंगा कि भाई तुम इससे बिल्ट में कम टाइम देना, और मतलब एक वर्किंग टाइम में देना, और पढ़ाई लिखाई को प्रॉपर रखना। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत से लोग मतलब जो देख के मोटिवेट होते हैं कि अरे 1.5 लाख का बिल्ट, अरे 2 लाख का बिल्ट, तो भाई उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत करो। भाई देखो ये 14 साल का है, आप पता है ये फ्रीलांसिंग काम करता है। अगर ये नहीं कि बहुत से कमेंट्स करेंगे कि अरे 1.5 लाख का बिल्ट है यार, किसके तो मजे हैं, मम्मी पापा के पास पैसा होगा दिला दिया होगा, तो भाई ये फ्रीलांसिंग काम करता है ग्रुप वाइज, और 14 साल की एज है, कोर एडिटिंग करता है, इसलिए ये बिल्ट इसको नीडेड है। ये गेम के लिए नहीं दे रहा है, मेन है इसकी एडिटिंग का काम, ये उसके लिए ये बिल्ट इसको दिया जा रहा है। तुमको भाई बिल्ट बहुत बहुत मुबारक हो, मैं चाहूंगा कि जीवन में तुम तरक्की करो दोस्त यार, है ना? और ऐसे आगे भाई आप लोगों का सपोर्ट के लिए भाई फिर से एक बार शुक्रिया। और नया कोई भी नया PC बिल्ट परचेज करना चाहता हूँ मैं यही बोलूंगा भाई, क्योंकि रीजन ये है कि देखो बिल्ट तो यार हमारा डेली का यही काम है यार, हम तो मतलब यही काम करते ही हैं, रो डेली PC आना बेचना शूट करना ये करना, लेकिन बस ये है कि हमारा जो फर्ज है कि आपको सही गाइडेंस कर देना, सही वे आपको दिखा देना, कि बस यही चाहते हैं, और वही 100% करने की कोशिश करते हैं, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे भाई, ठीक है? तो किसी को नया PC बाय करना हो तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा 9532777615, उस नंबर पे जाके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और वहां और से अगर रिवर्ट ना हो तो इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, और ये अपना नंबर भी देगी पर्सनल है ना इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं नया बिल्ड परचेस करना हो ये अपना पर्सनल नंबर देगी, फिर उसके बाद आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, जो भी बिल डिसाइड हो हमसे बता दीजिएगा, उसको हम लोग फिर से शूट करेंगे। तो भाई और चैनल पे कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को भाई हम तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई देखो वीडियो बनाने में शूट करने में लगता है टाइम, भाई मेहनत तो लगती है, बहुत मेहनत लगती है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ में व्यूज आते हैं कुछ में नहीं आते, लेकिन हम लोग देखते नहीं कि व्यूज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्या चीज है, अपना करते रहते, तो भाई थोड़ा बहुत सपोर्ट करिएगा, और खासकर ये कि कुछ कमेंट्स वगैरह बता दीजिएगा, कुछ गलती कर रहे हैं हम लोग या कुछ हमसे ना हो पा रहा हो ठीक से, थोड़ा सा हमको भी गाइड कर दीजिएगा इस चीज के लिए, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, तो एज ऑलवेज मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, और ऐसी दोस्ती बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।